मशहूर फिल्मकार विशाल भारद्वाज के बेटे आसमान भारद्वाज ने बतौर निर्देशक बॉलीवुड में कदम रख दिया है और उनकी पहली फिल्म कुत्ते बनकर तैयार हो चुकी है। फिल्म कुत्ते का ट्रेलर भी रिलीज किया जा चुका है। ट्रेलर रिलीज होने के बाद काफ़ी चर्चा में आ चुकी है ये फिल्म, क्योंकि पिता ने कमीने नाम की फिल्म बनाई थी और बेटे ने कुत्ते नाम की फिल्म बना दी। बहरहाल इस फिल्म के अगर ट्रेलर की तरफ देखें तो एक ब्लैक या डार्क कॉमेडी की तरफ इशारा कर रहा है। साथ में दिखा रहा है कि किस तरह से एक गैंग है जो एक वैन में पड़े हुए ढेर सारे पैसों के पीछे, कई गैंग्स उसके पीछे लगे हुए हैं, ये फिल्म की कहानी की तरफ इशारा कर रहा है ट्रेलर। लेकिन उन सबसे बढ़कर जो फिल्म का ट्रेलर इशारा कर रहा है वो इशारा ये है कि ये फिल्म जो कुत्ते है वो भी कहीं ना कहीं विशाल भारद्वाज की तरह का जो सिनेमा है, विशाल भारद्वाज जिस तरह का सिनेमा बनाते हैं उसी तरह का सिनेमा फिल्म कुत्ते भी लग रहा है, जो ट्रेलर देखकर महसूस हो रहा है। हालांकि विशाल भारद्वाज इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं कि उनका डायरेक्शन में उनकी कोई भूमिका नहीं है, वो सेट पर भी नहीं जा रहे थे, कि कहीं लोगों को ये ना महसूस हो कि विशाल भारद्वाज ने डायरेक्शन में दखलअंदाजी की है या डायरेक्शन सिखाया है अपने बेटे को, इसलिए वो सेट पर भी नहीं जाना चाह रहे थे। लेकिन बहरहाल उनके इनकार के बावजूद भी अगर आप ट्रेलर को देखेंगे तो आपको भी ये महसूस होगा कि ये फिल्म कहीं ना कहीं विशाल भारद्वाज के सिनेमा की तरह का ये फिल्म है। चाहे आप इसके विजुअल को देखें, देखिए विशाल भारद्वाज की जो फिल्म है, जैसे आप कमीने ही को अगर देखें तो पूरा डार्क और रात में ज़्यादातर उसके दृश्य थे, सीन्स थे, जिसकी वजह से कई बार लोगों ने उसकी आलोचना भी की कि विशाल भारद्वाज ने ऐसी फिल्म बनाई। हालांकि उस फिल्म की तारीफ भी बहुत हुई लेकिन बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुई थी। आपको बता दें कमीने बहुत ज़्यादा कामयाब तारीफें हुई थी लेकिन उस तरह की कामयाबी नहीं मिली थी। उसी तरह से ये जो कुत्ते हैं, अगर आप इनके ज़्यादातर दृश्यों को देखेंगे, सीन्स को देखेंगे ट्रेलर में, तो आपको लगेगा एकदम रात में शूट किया गया है, डार्क और अंधेरे में सारे सीन्स हैं। हाँ, कुछ दिन के भी सीन्स नज़र आएंगे, लेकिन बहरहाल चाहे वो टाइटल कुत्ते आप देख लीजिए या फिर आप उनके सिनेमाटोग्राफी देखें, बैकग्राउंड म्यूजिक देखें, इवन आर्टिस्ट भी, जिस तरह के आर्टिस्ट के साथ विशाल भारद्वाज काम करते हैं वही सारे आर्टिस्ट का भी जमावड़ा इस फिल्म में है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये विशाल भारद्वाज के तरह का सिनेमा का फिल्म है और ट्रेलर देखकर आपको भी ये महसूस होगा। अगर फिल्म के कलाकारों की बात करें तो इसमें विशाल भारद्वाज की चहेती एक्ट्रेस तब्बू हैं, नसीरुद्दीन शाह हैं, हाँ अर्जुन कपूर भी इस फिल्म में अहम भूमिका निभा रहे हैं, कुमुद मिश्रा हैं, उसके अलावा बहुत सारे इस तरह के कलाकार हैं जो विशाल भारद्वाज जिस तरह की फिल्में बनाते हैं और जिस तरह से के आर्टिस्ट को वो अपनी फिल्म में कास्ट करते हैं, जैसे कोंकणा सेन शर्मा भी इस फिल्म में अहम किरदार निभा रही हैं। उसके अलावा फिल्म में जो डायलॉग्स हैं, डायलॉग्स भी विशाल भारद्वाज की तरह के ही दिख रहे हैं, जैसे गाली गलौज बहुत ही ज़्यादा इस फिल्म में, ट्रेलर में जब इतना देखने को मिल रहा है तो ज़ाहिर है आई एम श्योर के फिल्म में और ज़्यादा भी गाली गलौज देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर देखिए विशाल भारद्वाज का जो ज़्यादातर फिल्में हैं वो एक नीश ऑडियंस के लिए बनती हैं, मल्टीप्लेक्सेस में अच्छा करती हैं, लेकिन आम आदमियों के समझ से थोड़ी सी बाहर होती है। और ट्रेलर लॉन्च के मौके पर भी ये बात कहीं ना कहीं सामने आई है कि इस फिल्म की कहानी में भी बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, और अगर विशाल भारद्वाज के बेटे ने लिखी और उसी तरह का सिनेमा अगर देखने में ट्रेलर लग रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी मुमकिन है कि आम आदमी की समझ से परे हो, आम आदमी को समझना मुश्किल हो, आम आदमी को समझना आसान नहीं हो। जिस तरह से विशाल भारद्वाज इंटेलिजेंट फिल्में बनाते हैं शायद उसी तरह से उनके बेटे आसमान ने भी एक इंटेलिजेंट फिल्म बनाने की कोशिश की है।